नमस्ते दोस्तों, आपका बिहारी रसोई में आपका स्वागत है। देखिए आज के वीडियो में मशरूम का सब्जी बनाएंगे। इसमें डालेंगे मसाले में पड़ेगा मिर्चा, धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी, एक पाउडर लहसुन, दालचीनी, प्याज, धनिया पत्ता, दो टमाटर। अब इसको पीस लेंगे हम। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डालकर इसको पीसेंगे। देखिए मेरा मसाला तैयार हो गया और गैस जलाएंगे। सरसों तेल डालेंगे, ये मेरा तेल गरम हो चुका है। जीरा डाल रहे हैं, जीरा मेरा चटक गया, उसमें डालेंगे। प्याज डालेंगे, प्याज को हमको सुनहरा रंग कलर करेंगे। इसको ढक देंगे फिर से 5 मिनट के लिए। देखिए फिर 5 मिनट हो चुका है। देखिए इसको चला रहा है इसी तरह से। इसमें डालेंगे मसाला, टमाटर, पिसा हुआ टमाटर, स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। इसको मधी माट कर धीरे धीरे मसाले को अच्छी तरह से भून दीजिए। फिर उसके बाद ढक दीजिए थोड़ा 5 मिनट के लिए पक जाए। देखिए 5 मिनट हो गया, मेरा मसाला पक गया है। इसको चलाकर मक्का काटा है, इसको गाढ़ा रस करने के लिए थोड़ा सा इसको ऐड करेंगे। इसमें हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। देखिए इसमें डालेंगे मशरूम, डालेंगे तो इसको ढक देंगे। देखिए दोस्तों 5 मिनट में फिर इसको चला दीजिए अच्छी तरह से। फिर इसको ढक दीजिए 5 मिनट के लिए, अच्छी तरह से पक जाएंगे हम। धनिया पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे, हो गया।
मेरा सब्जी तैयार हो गया। अब अगले वीडियो में कल मिलेंगे। नमस्ते।